नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सर्दियों का मौसम आ गया है और इस मौसम में अक्सर लोग रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। रूम हीटर का इस्तेमाल करने से पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल में एक पति पत्नी की रूम हीटर से निकलने वाली गैस से दम घुटने के कारण मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ कमरे में हीटर जलाकर सो रहे थे। बच्चे की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सर्दियों के दौरान हीटर का इस्तेमाल करना काफी आम होता है, लेकिन कई बार लोगों को इस बात का पता भी नहीं होता कि उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हीटर का सही तरीके से इस्तेमाल ना करने से जान तक जा सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्यों खतरनाक साबित होता है कमरे में हीटर जलाकर सोना। सर्दियों के मौसम में गर्माहट पाने के लिए लोग रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स इसे लेकर चेतावनी देते रहते हैं कि कमरे में रात भर हीटर जलाकर सोने से आपको नींद न आने की समस्या के साथ ही ड्राई स्किन, एलर्जी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हीटर से निकलने वाली हानिकारक गैस की वजह से आपका दम भी घुट सकता है, जिसके चलते आपकी मौत हो सकती है। हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ऐसे में हृदय संबंधित बीमारियों से जूझ रहे लोगों को इससे सीने में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो लोग हृदय संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं और स्मोकिंग करते हैं, उन्हें खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा बच्चों और बूढ़ों के लिए ये काफी हानिकारक भी माना जाता है। गैस हीटर का इस्तेमाल करने से नींद में होने वाली मौत का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हीटर से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके शरीर में खून की सप्लाई को बंद कर सकती है, जिससे आपके दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाता। स्थिति में आपको ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। कमरे में हीटर जलाकर सोने से आपको ड्राई स्किन, एलर्जी और कंजक्टिवाइटिस की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कमरे में रूम हीटर का इस्तेमाल करते समय इस बात का ख्याल रखें कि हीटर के आसपास पेपर, कंबल या फर्नीचर आदि का सामान रखने से बचें। इन सभी चीजों को हीटर से 2 से 3 फीट दूर रखें। हीटर को किसी कठोर सतह पर रखें, ना कि कार्पेट, लकड़ी या प्लास्टिक के ऊपर। बच्चों को हीटर के आसपास ना जाने दें, खुला ना छोड़े। जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से बचने के लिए कमरे से बाहर निकलने या बिस्तर पर जाने से पहले हीटर को बंद कर दें और उसका प्लग भी निकाल दें। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।